बनारस अपने उसी मिजाज के साथ जीता है। आज साल का अंतिम दिन है और लाखों पर्यटक जो है आज बनारस पहुंचे हैं। इसके अलावा एक और बात है कि नए साल पर तकरीबन 10 लाख से अधिक पर्यटक बनारस पहुंच सकते हैं, इसका अनुमान लगाया गया है। ये जो मार्ग है काशी विश्वनाथ धाम जाता है, इसके अलावा बनारस के गंगा घाट, गंगा आरती की तरफ जाने वाला यह प्रमुख मार्ग है। और खान पान की बात कर लें तो बनारस में अनेक ऐसे व्यंजन हैं जिसकी जो मुरीद है वो पूरी दुनिया है। चाहे यहाँ के कचौड़ी जलेबी की बात कर ली जाए, यहाँ के मौसमी मलइयों की बात कर ली जाए, तो वह पूरे विश्व में मशहूर है। कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे जो दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पर। ये देखिए बाबा हमारे साथ हैं। बाबा मलइयों कम से कम 6-7 लाख आदमी अगले रविवार को रहे। खाली सड़क पर मुंडी दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं। बाबा अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनारस के एक चौक के रहने वाले हैं। चौक में असली बनारस बसता है कहते हैं बाबा। मलइयों आप खा भी रहे हैं। ये बताइए बनारस कितना बदल गया है आपको साल 10 साल की बात? जब से मोदी जी आए तब से पूरा बदल गया। आज जो बचा है वो हो जाएगा एकदम, जो लोग कहते हैं तंज कसते कोयटा का बाप बनेगा, ये विश्व में एक बनेगा। अभी अयोध्या जो है ना, भूतो न भविष्य, विश्व में कोई उसका जोड़ा नहीं रहेगा। ये सब मोदी जी जो ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं, और किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है। सब बड़ा बोल बतियाते हैं, किसी ताकत हो सामने आके खड़ा हो विपक्ष खाली जो है भजाता है, चोट्टागिरी करता है विपक्ष। अच्छा ठीक है, ये बताइए साल 2024 को कैसे आप देख रहे हैं? चुनाव भी है, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी है, सड़क छोड़ दीजिए भाई, इधर से जाने वाला प्रमुख मार्ग है बाबा, आप बताइए। साल 2024 बहुत बढ़िया होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, ऐतिहासिक हो रहा है। किसी को न दिखाई दे तो कोई क्या कर सकता है। कल अभी इतना अयोध्या में था, अयोध्या वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले अयोध्या, पूरा भारत चमकेगा। खाली बनारस और अयोध्या नहीं, अयोध्या में कल देख लिए क्या स्थिति थी, आने वाले 22 तारीख को क्या स्थिति रहेगी कोई सोच नहीं सकता है, कोई सोच नहीं सकता है। आप कहाँ से हैं? चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो अभी चुनाव भी हुआ है जी। और सरकार की बात कर लें तो मुख्यमंत्री बदले हैं लेकिन सरकार वही है जी। क्या हाल है, कैसे देख रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं नए साल का? नए साल का स्वागत तो बाबा काशी के धाम आए हैं। अच्छा, मोदी जी के बाद से आने के बाद से युवा पीढ़ी कभी 31 किसी और तरीके से मनाया करती थी। आज युवाओं को नया जागृति मिली है कि हम लोग बाबा के धाम आए हैं। कभी उज्जैन जाते हैं हमारे इंदौर के पास, आज यहाँ बनारस में आए हैं। बनारस के लोग भी यहाँ के पकवानों की तरह एकदम स्वादिष्ट मीठी भाषा बोलते हैं, और यहाँ आने के बाद एक इतना कमाल का अनुभव रहा कि अब लगता है कि अगली बार से पूरे परिवार को लेकर जरूर यहाँ आएंगे। पूरे परिवार के साथ आएंगे। आप कचौड़ी जलेबी और जो बनारस की स्वादिष्ट पूरी है वो खा रहे हैं। हमने कहा कि 2024 आप कैसे करें, तो आपने कहा कि पुराने समय में लोग क्लब जाते थे, अनेक जगहों पर ऐसे जाकर मना। इस बार आप मना रहे हैं दर्शन पूजा करके, यानी ये बदलाव आप देख रहे हैं 24 में। और क्या क्या खास रहने वाला? चुनाव भी है 24 के बाद, चुनाव तो है ही, और 24 में ही चुनाव। खैर, चुनाव के लिए अब इतना चिंता का विषय नहीं है क्योंकि अब जनता का जो प्यार है पूरी तरह से आप देख ही रहे हैं। हो सकता है कि इस बार और भी ज़्यादा प्यार जनता का मिले, और आने वाली जो सरकार है वही फिर से आएगी और भारी बहुमतों से आएगी। और 2024 में क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? आप कहाँ से हैं? इंदौर साथ में। क्या प्लान कर रहे हैं 2024 में? हम सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी के साथ साथ वाराणसी का देख रहे हैं, उज्जैन में हमारे यहाँ, उज्जैन में बहुत कुछ हुआ है, उज्जैन के कारण सारी मध्य प्रदेश की जनता उज्जैन में, बहुत सारा रोजगार भी बढ़ा है, बहुत कुछ बढ़ा है। हम हर साल नए तरीके से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सीएम भी दे दिया इस बार उज्जैन से सीए और बहुत से बदलाव दिखेंगे मध्य प्रदेश में भी, भारत में भी। और हर साल 31 अलग तरीके से मनाते थे, इस बार हमने बनारस में मनाया है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस बार जो वहाँ पर चुनाव हुआ, एक तरफा मैंडेट मिला बीजेपी को, लेकिन एक बात कही जा रही है मुख्यमंत्री बदलने की क्या वजह हो सकती है? शिवराज सिंह चौहान भी लंबा, आप लोग वहाँ पे रहे हैं, आप जमीनी वहाँ की हकीकत ऐसे। शिवराज सिंह जी भी जो है वो मध्यम वर्गीय साधारण कार्यकर्ता ही थे, और बीजेपी ने मोहन जी यादव को साधारण कार्यकर्ता की तरह चुना है। 18 सालों तक शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की बहुत सेवा की, और उनके पहले और उनके आने के बाद से मध्य प्रदेश में बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिला। बहुत ही अच्छे बदलाव हुए, उनकी योजनाएं सारी चीज़ें सफल रही, लेकिन अब जनता की थोड़ी सी मांग थी कि और कोई नया चेहरा है, उनमें कोई कमी नहीं थी।
उन्होंने पूरा अच्छे से काम किया और उम्मीद है कि ये जो मोहन यादव जी आए ये और भी अच्छा काम करें। लेकिन बनारस की जनता से और बनारस के लिए एक निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि जैसे इंदौर मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के बाद पिछले लगातार 6 सालों से पूरे भारत में स्वच्छता में नंबर वन है, पूरे भारत में स्वच्छता में इंदौर नंबर वन आया। तो हम कुछ गलियों में यहाँ की घूमें जो कि बहुत ही सुंदर गलियाँ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बनारस भी इंदौर की तरह स्वच्छ हो जाए और यहाँ पर पूरे विश्व से जो लोग आते हैं वो एक बनारस की स्वच्छता के तौर पर भी एक अलग ही पहचान हो। सही बात है आपने कहा। तो निश्चित तौर पर जो बनारस है आज वो एक नए उत्साह, एक नए उमंग में देख रहा है। साल का अंतिम दिन है, चलिए एक अंतिम कमेंट बाबा आपसे हम ले सकते हैं। आप देखिए, वो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं भया, वो 9 वर्ष में भया। जनता बेवकूफ नहीं है, ये सब जितने हैं सब अपनी दुकान बंद हो गई है, सब इन्होंने खाया पिया कुछ नहीं किया, खाली राम भक्तों को गाली दिया, राम भक्तों को गोली से मारा। आज राम भक्त इनको जवाब दे रहे हैं, ये जीवन में नहीं आएंगे, अब इनका मुंह नहीं रह गया आने का। अब बनारस 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 हो गया, बनारस तो बना हुआ रस है। चलिए बनारस बना हुआ रस है, तो और भी तस्वीरें नए साल के हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये जो सीधा मार्ग है वो जाता है भगवान काशी विश्वनाथ धाम को, गंगा घाट पर गंगा आरती के लिए। तो निश्चित तौर पर जो बनारस की तस्वीर है नए वर्ष पर अलग ही देखी जा रही है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।